हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज है नेक्स्ट मॉर्निंग और अभी सुबह के 5 बजे हैं। मुझे रनिंग पे निकलना है, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ। हाँ तो गाइस, फील्ड में तो आ गए हैं और अभी रनिंग स्टार्ट करना है। एक्चुअली आज फर्स्ट डे आफ्टर सो लॉन्ग आई हैव कम टू फील्ड, तो आई जस्ट हैव टू स्टार्ट इट। तो देखिए, होता क्या है ना कि रनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपना हेल्थ से फोकस कर रहे हैं, तो सबसे नेचुरल चीज़ जो है ना वो रनिंग है। मॉर्निंग टाइम में एटलीस्ट 10 मिनट ही, लेकिन 10 मिनट समय निकालिए रनिंग के लिए। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं, रनिंग कर लेते हैं और फिर आगे बात करते हैं। ओके, यस तो गाइस, रनिंग हो गया और मस्त रनिंग हुआ है। एक्चुअली आफ्टर सो लॉन्ग इतना एक्सपेक्ट नहीं किए थे, बट फर्स्ट जैसा बहुत अच्छे से हो गया। एंड आफ्टर दैट थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करेंगे बॉडी का और फिर चलना है घर, बस इतना। Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know. तो मेरा स्ट्रेचिंग भी हो गया, फर्स्ट डे बहुत अच्छा स्टार्ट रहा। यस तो गाइस, तो सबसे बेसिक सा चीज रनिंग के बाद आप ये कर सकते हैं कंज्यूम। बैक टू द होम और मिलते हैं फ्रेश होके। यस तो गाइस, फ्रेश होके रेडी हैं हम और अब हमको करना है ब्रेकफास्ट और फिर शुरू करते हैं अपना ऑफिस का काम। तो गाइस, ये मेरा आज का ब्रेकफास्ट है। इसमें चना, मूंग और मूंगफली फूला हुआ है जो मैंने रात में डाला था फूलने के लिए, और ये दाल और ये ऑमलेट और टमाटर, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। हाँ तो गाइस, जो आपने लास्ट क्लिप देखा और अभी, इसमें लगभग 12 घंटे का डिफरेंस है। मीनवाइल मेरा जो भी काम था वो मैं सारा काम निपटाया, लाइक ऑफिस का काम, कुछ पर्सनल काम, तो सारा चीज़ ख़त्म किए। हाँ ये है कि मैं अपडेट नहीं कर पाया चीज़ों को, क्योंकि अभी नया हूँ, कैमरा को उतना यूज़ करने का आदत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सब हो जाएगा सही। तो बस इतना है कि अभी जिम निकलना है। तो गाइस आ गए जिम में, और जैसा कि आपको सुबह से हम दिखा रहे हैं कि लाइक किस तरह से रूटीन फॉलो करना है, कुछ बेसिक सा रूटीन, एक्सरसाइज करने से पहले और एक्सरसाइज करने के लिए रेडी होना है। तो उसी तरह से लाइक अभी हम जिम में आए हैं और आपको ये बताते हैं। जैसे देखिए, लास्ट के कुछ वीडियो में मैं अपर बॉडी के लिए एक वर्कआउट बताया एंड देन फिर लोअर बॉडी के लिए, लेग्स के लिए बताया, बट नाउ अभी हमको डिस्कस करना है यहाँ के लिए, लाइक मिड सेक्शन के लिए। देखिए एब्स में सिर्फ सिक्स पैक ही नहीं होता है, एटलीस्ट अपना, जैसे देखिए एब्स का पार्ट कोर होता है, राइट? तो कोर को स्ट्रांग रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम परफॉर्म करेंगे कुछ एब्स का वर्कआउट जो कि बिगिनर्स के लिए, लाइक इन द स्टार्टिंग यू कैन डू इट, बहुत ही ईजी वर्कआउट है। चलिए शुरू करते हैं। यस तो गाइस, सबसे पहला एक्सरसाइज है लेग रेस के लिए। तो लेग रेस के लिए सबसे पहले लाई डाउन होना है इस तरह से, और लेग को कम्प्लीटली स्ट्रेट रखना है, और अपना हाथ को थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ग्लूट के नीचे रखना है, और अपना टो को बाहर की तरफ पॉइंट करना है लाइक दिस। यू कैन सी, इस टो को लाइक बाहर की तरफ पॉइंट करना है एंड देन यहाँ से ऊपर करना है, और इसमें रेंज ऑफ मोशन आपका रहेगा लाइक दिस। बस इतना ही, ना ही नीचे ग्राउंड में टच करना है और ना ही ऊपर, इतना आना है। ये लाइक जब करेंगे तो लोअर एब्स के लिए होता है, और इस एक्सरसाइज में आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको लोअर बैक को बचाना है, इसको कहीं से भी इंजुरी नहीं होना चाहिए। लाइक ऐसे जिसे हम आपको बताएं कि ग्लूट के नीचे हाथ रखना है थोड़ा सा, तो ये इसीलिए कि ताकि आपको एक पॉजिटिव सपोर्ट मिले, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो बैक में। और गाइज, लेग रेज में ही आपको 10-10 रिपीटेशन लगाना है 3 सेट में। और अब चलते हैं दूसरा वर्कआउट की तरफ। ओके गाइस, तो हमारा दूसरा एक्सरसाइज है फ्लटर किक। तो फ्लटर किक को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले लाई डाउन लाइक दिस, और लाई डाउन के बाद अपना हाथ को थोड़ा सा बस कोर के यहाँ पे नीचे रखना है इस तरह से, और टारगेट एरिया को फोकस करना है, इसको टाइट रखना है, और अपना अपर बॉडी को ऊपर करना है, पैर को इस तरह से ऊपर करना है और लाइक दिस। और गाइस इसमें ये होता है ना एक कन्फ्यूज़न कि पैर को कितना स्पीड चलाना है लाइक दिस। कुछ लोग स्पीड चलाते हैं, लेकिन इसको स्पीड नहीं चलाना है, इसको बस नॉर्मल रखना है
एकदम नॉर्मल, एकदम बेसिक सा करना है, अल्टरनेटिवली ऊपर नीचे करना है पैर को बस, और इसमें आप नॉर्मली सांस लीजिए नेचुरली। इसमें कितना लोग होता है ऐसा है कि जब एक्सरसाइज ये परफॉर्म कर रहे होते हैं तो अपना सांस को रोक लेते हैं। देखिए ये बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है अगर आप सही फॉर्म में करते हैं तो। तो देखिए अगर हम एक बार पैर को ऊपर नीचे किए तो इसको हम काउंट करते हैं, इसको हम एक रेपिटेशन, तो उसी तरह से आपको करना है 10-10 रेपिटेशन 3 सेट में। तो चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। गाइज हमारा थर्ड एक्सरसाइज है हाई नी क्रंचेस। तो हाई नी क्रंचेस को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले इस तरह से लेट जाइए, और जिस तरह से इसका नाम है तो अपना नी को थोड़ा ऊपर कीजिए इस तरह से, और अपर बॉडी को क्रंच कीजिए लाइक दिस, लाइक दिस। और इसमें गाइस ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब ये एक्सरसाइज आप परफॉर्म कर रहे हो तो आपको एक बार अगर मैक्सिमम क्रंच कर लिए हो लाइक दिस तो आपको पूरा नीचे नहीं आना है, बस थोड़ा सा नीचे आना है एंड देन फिर ऊपर, और अपना कोर एरिया को इसको कम्प्लीटली टाइट रखना है और इस पर फोकस्ड रहना है कि ये फिर से लूज ना हो, ठीक ना, जब तक आप फाइनल क्रंच को कम्प्लीट नहीं कर लेते हैं। आपको अपना लोअर बैक को बचा के करना है एक्सरसाइज। बार बार मैं ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग बिगिनर्स हैं, बिगिनर्स के लिए बहुत ही बेसिक सा चीज़ है। और हाँ, सांस को एकदम नॉर्मली लेना है, ऐसा नहीं कि सांस रोक लिए या फिर इसमें कोई रूल रेगुलेशन कुछ भी नहीं, नेचुरल अपना सांस लीजिए, ब्रीद आउट ब्रीद इन। और इसके साथ साथ आप रेपिटेशन लगा सकते हैं इसमें 10 और सेम 3 सेट में। चलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ। और हाँ गाइज एक चीज़ और इसमें यह है कि जब आप क्रंचेस कर रहे हो तो अपना हाथ इस तरह से रखते हैं सर को उठाने के टाइम, क्रंचेस के टाइम, तो आप इतना कोशिश कीजिए कि आप इसको ज़ोर से नहीं पकड़िए, बस यहाँ हाथ रखना है और अपना गर्दन को इंजुरी नहीं होने दीजिए, एकदम नॉर्मली, एकदम नॉर्मल, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, इसको बहुत ही नॉर्मली बिहेव करना है यहाँ पे लाइक दिस। जब इस तरह से आप लेटे हुए हैं एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं तो सिंपली बस यहाँ हाथ रखिए, ना कि ऐसे करके ऐसे कर रहे हैं, सिंपली यहाँ हाथ रखना लाइक दिस। गाइज हमारा नेक्स्ट वर्कआउट है सीटेड वी अप। तो सीटेड वी अप के लिए आप स्ट्रेट इस तरह से बैठ जाइए, सबसे पहले अपना हाथ को इस तरह से पीछे रख लीजिए लाइक दिस, और अपना पैर को इस तरह से करके उठा लीजिए, और अपना नी को चेस्ट के क्लोज लाना है और चेस्ट से दूर करना लाइक दिस। और गाइज इसमें याद रखना है हम लोग को लोअर बैक को बचा के करना है एक्सरसाइज, और बहुत ही नॉर्मल तरीके से करना है, एकदम कंट्रोल्ड वे में। देखिए बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, लेकिन सही फॉर्म में करने से बहुत ही इफेक्टिव है। इसको भी आप 20-20 एटलीस्ट 20 रिपीटेशन तो कीजिए ही कीजिए 3 सेट में। चलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ। गाइस सॉरी, एक्चुअली क्या हुआ ना कि जिम में लाइट चला गया अचानक से और उसके बाद मैं शूट नहीं कर पाया, तो जितना मैं एक्सरसाइज आपको बताया हूँ अभी उसी में कुछ एडअप होगा, लाइक प्लैंक होगा और एक दो बेसिक एक्सरसाइज बताता, बट नो वरीज, हमारे पास बहुत समय है अभी, विल डू इट नेक्स्ट टाइम। गाइस मैं इतना ही बोलूँगा कि आप मेरा चैनल को देखते हैं आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, आपको एब्सोल्युटली मज़ा आएगा और मज़ा आ रहा होगा, अभी बिगिनिंग है। अगर आप लोगों को सजेशन लगता है कि कुछ बताना चाहिए आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताएं और हम उस पर काम करेंगे, सो प्लीज़ डू कमेंट एंड फील फ्री टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो फिर ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट स्टे हेल्दी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो गाइस जिम से आते टाइम थोड़ा एक यू नो प्रोटीन के लिए आपको बताएंगे ये सब सारा चीज़ के बारे में, लाइक कब कितना कंज्यूम करना है, किस तरह से अपना प्रोटीन इंटेक को पूरा करना है, विल डिस्कस अबाउट एवरीथिंग इन सेपरेट वीडियो, बट या फॉर नाउ जस्ट एन अपडेट।